24 न्यूज एक्सप्रेस आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राम मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट, अपराध पंजीबद्ध। नगर परिषद अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 में स्थित राम मंदिर के पुजारी शैलेंद्र मिश्रा के साथ वार्ड नंबर 4 के ही निवासी ललित दुर्गकर भुवन दुर्गकर द्वारा आपसी रंजित रखते हुए 15 दिसंबर को मारपीट किए जाने की शिकायत लांजी थाना में दर्ज कराई गई है। अपने साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में राम मंदिर के पुजारी पंडित शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि वार्ड क्रमांक 4 के निवासी भुवन दुर्गकर द्वारा आए दिन मंदिर के सामने गंदगी फैलाई जाती है तथा अनाप शनाप गालियां दी जाती है एवं समझाइश देने पर जादू टोना कर देने की बात कही जाती है, जिससे पूरे वार्डवासी परेशान हैं। परंतु सभी लोग भुवन दुर्गकर की उम्र का लिहाज करते हुए हमेशा इन विवादों को नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु भुवन दुर्गकर द्वारा पिछले 3 दिनों से राम मंदिर परिसर के सामने आकर थूकना एवं गाली गलौज करके परेशान किया जा रहा है, जिसे मना करने पर वह स्वयं ही मारपीट पर उतारू हो गया। और आज 17 दिसंबर को भी भुवन दुर्गकर एवं उसके पुत्र ललित दुर्गकर द्वारा मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा लांजी थाने में की गई है। राम मंदिर के पुजारी शैलेंद्र मिश्रा की शिकायत पर लांजी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई है तथा उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं पंडिताई करता हूँ, नया राम मंदिर में पुजारी। आपने पुलिस थाना लांजी में किस संबंध को लेकर शिकायत की है? मैंने थाने में इस संबंध में लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाया हूँ कि मंदिर के पीछे का एक कलार समाज का लड़का है ललित दुरुककर और उसके पिताजी। क्या नाम है उनके पिताजी का? भुवन किशोर दुरुककर। अच्छा, तो मैं परसों के दिन की बात है, ये कौन सी तारीख थी? वो 15 तारीख की बात है। उस दिन मैं राम मंदिर से पूजा करके हनुमान मंदिर पूजा करने जा रहा था, तो उसने पीछे से मेरे को आकर के गाली वाली बका। किसने? ललित दुर्गकर ने। अच्छा, गाली बका तो मैंने ध्यान मन नहीं दिया कुछ भी। मैं पूजा करके आया हनुमान मंदिर से, फिर उसके बाद मैंने पूछा उससे, बुला करके मैंने मंदिर के, तो यानी मंदिर के सामने गाली बक रहा था वो, तो मैं उसको बुलाया इधर साइड में, बोला भाई तू गाली वाली क्यों बक रहा है ऐसा, यानी तू मेरे को बोल करके गाली वाली क्यों बक रहा है, मेरा नाम लेकर गाली बक रहा था कि मोनू ऐसा वैसा तू ऐसा करता है, यहाँ बैठा के रखता है तो इधर देखते हैं। फिर क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर यानी वो एकदम हाथापाई पे उतर गया मेरे ऊपर गाली। अच्छा। मैंने तो एक गाली नहीं बका करके मेरा कॉलर वॉलर पकड़ लिया। कहाँ पर? मंदिर के सामने। अच्छा, राम मंदिर के? राम मंदिर के सामने में। अच्छा, और तुम वहाँ क्या कर रहे थे राम मंदिर में? मैं राम मंदिर हनुमान मंदिर से पूजा करके आया ही था जस्ट, और वो खड़ा था वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने उसको यही पूछा कि मैंने बोला गाली क्यों बक रहा था तू, मैं जब मंदिर जा रहा था पूजा करने तो मेरा नाम लेकर गाली बक रहा था वो, तो उस संबंध में यानी वो आकर के मेरे ऊपर चौथाड़ गया एकदम आम के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने जाकर के थाने में जाकर रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट दर्ज करा दिया। अच्छा, ये शांत हुआ। फिर उसके बाद मैंने थाने में यानी नॉर्मल रिपोर्ट करवाया था ताकि यानी ये ना हो। उस वजह से फिर वो आज मेरे को रोका उसने, 17 तारीख आज रोका मुझे, और फिर वो करवाने लग गया उसने, मेरे को बोलने लग गया कि तूने मेरे नाम से रिपोर्ट क्यों करा, और मैं आ रहा था यानी राम मंदिर के लिए आ रहा था मैं घर से, तो मेरे को रोक करके बोलने लगा, मेरे को दोनों बाप बेटे बोलने लगे कि यानी मेरे नाम से रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाया तुमने। तो साधारण रूप से बात की क्या आपसे? साधारण रूप से नहीं, यानी मारपीट करने लगे, गाड़ी को रोक लिए, चाबी भी पकड़ लिए और धक्का मुक्की करके मेरे को गिरा दिए गाड़ी से, तो मेरे को थोड़ी चोट वोट भी लगी है। तो फिर उस वजह से फिर यानी थोड़ा समझा बुझा हुई, फिर मैं जाकर के रिपोर्ट दर्ज फिर आज भी और करवा दिया उनके नाम से। अच्छा, तो थाने लांजी थाने में आज रिपोर्ट दर्ज किया जी। ठीक,